अंकिता हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये एक जघन्य अपराध है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। इस घटना में जो भी संलिप्त हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले में अपराधियों को जेल भेजा जा चुका है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। परिजन आज अंत्येष्टि के लिए अभी तक तैयार। पिताजी ने सभी से अपील की है, अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सलूट करता हूँ कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोग उन्हें हमारा साथ दिया है, अब कृपया सब लोग जो है क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, क्योंकि अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी, सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। वहीं लोगों के विरोध और परिजनों के गुस्से को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी बहनों और बेटियों के साथ इस तरह का कृत्य सहन नहीं किया जाएगा, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गंभीरता से जांच की जा रही है। ऐसे समय में क्योंकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूंकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सजा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सजा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सजा होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के परिजनों से दूरभाष पर बात की और परिवार वालों को इंसाफ का भरोसा दिया। इस बीच अंकिता का आज श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उधर आक्रोशित लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे को जाम किया। वहीं मृतका अंकिता भंडारी के पिता ने लोगों से हाईवे को खोलने की अपील भी की है। अभी से एक बात कर रहा हूँ कि आप लोग जो है आराम से मतलब जैसा धरना जियो पे जाम नहीं लगाएं, क्योंकि हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। जी जी जी, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है। जी जी, धन्यवाद। मैं आप लोग हमें सरकार से ये मांग है मेरी कि इन अपराधियों को फर्स्ट ट्रैक फांसी की सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और मेरे की लड़की साथ प्रेम मिल रहा है, अत्याचार किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में विभिन्न गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट्स पर प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नैनीताल जिले के धानाचूली क्षेत्र में 5 रिजॉर्ट को सील किया गया है।